भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन करेंगे। भगवान भोलेनाथ का साधारण सा मंत्र जपने और श्रवण करने मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा अनंत और अपार है भक्तों। वेदों में वर्णन है कि भगवान भोलेनाथ देवों के भी देव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु जी भी इन्हें शीश झुकाते हैं भक्तों। भगवान भोलेनाथ की अनेकों अनेक महिमाएं हैं भक्तों। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि थोड़ी सी ही तपस्या मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों। इस भाग दौड़ भरे जीवन में यदि भगवान भोलेनाथ की महिमा श्रवण भी की जाए तो भक्तों का कल्याण हो जाता है। तो आइए भक्तों, करते हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन। काम था रोज शिकार वो करेगी।
समझ ना आई। ये शिवलिंग कहलाए जिसको लोग पूजते जाए। भक्तों, आज धीमन को कोई शिकार नहीं मिला, तभी उसने एक पत्थर देखा। धीमन सोचने लगा, क्या यही शिवलिंग है जिसको लोग पूछते हैं? और सुना है भोलेनाथ भक्तों की विनती सुनते हैं। उसने भोलेनाथ के शिवलिंग को साफ करना चाहा, किंतु उसके पास जल लाने के लिए कोई पात्र ना था। पास की एक नदी से वो अपने मुख में जल भर कर लाया और उसी जल से शिवलिंग को साफ करने लगा। भक्तों, शिवलिंग को साफ करके उसने विनती की कि भोलेनाथ, अगर मुझे शिकार मिल जाएगा तो मैं आपको भी चढ़ा दूंगा। वो नादान तो इतना भी नहीं जानता था कि भोलेनाथ को मांस नहीं चढ़ाया जाता। आखिर धीमन को शिकार मिल जाता है भक्तों, और भोलेनाथ को कुछ मांस चढ़ाकर बाकी वो घर में ले जाता है। उस शिवलिंग पर एक पंडित भी पूजा करने आया करता था। शिवलिंग पर मांस चढ़ा देखकर उसे क्रोध आया। उसने सोचा, ये कोई जानवर का ही काम होगा। उसने शिवलिंग की साफ सफाई की और मंत्रों द्वारा शुद्ध करके पूजा पाठ करके घर चला गया। अगले दिन धीमन शिकारी फिर आया और उसी प्रकार मुख में जल भर के शिवलिंग को साफ किया और मांस चढ़ाकर चला गया। पंडित अगले दिन फिर आकर देखता है और सोचने लगता है, भक्तों, श्रद्धा से मुझे अर्पण करता है। इसके पास कोई पात्र ना होने के कारण मुंह में जल भर के लाता है, किंतु इसकी सच्ची श्रद्धा है। ये नादान नहीं जानता कि मांस खाना और मुझे अर्पण करना पाप है। अगर आपको इसकी सच्ची श्रद्धा देखनी है
तो कल चुपचाप छुप कर देख लेना। अगले दिन पंडित ने वैसा ही किया भक्तों, जैसा भोलेनाथ ने कहा था। धिम्मन शिकारी आया और उसी प्रकार मुख में जल लेकर भोलेनाथ को स्नान कराया और फिर मांस के कुछ टुकड़े लेकर भोलेनाथ को अर्पण कर दिए भक्तों। तभी शिकारी ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख में जल बह रहा है। शिकारी उसे साफ करने लगा। आइए आगे की कथा सुनते हैं भक्तों। प्रहार किया कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगा दूं, दूसरी आंख निकालने के पहले ही भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए भक्तों। तभी वो पंडित भी वहां आ गया। भोलेनाथ कहने लगे, देखो पंडित, इस शिकारी की मेरे प्रति कितनी सच्ची श्रद्धा है। तो भक्तों, इतनी दयालु है भोलेनाथ कि एक पापी शिकारी को भी दर्शन दे दिए।
भगवान भोलेनाथ तो इतनी भोले हैं कि एक बार की बात सुनाती हूँ। कोई चोर था जो मंदिर से घंटा चुरा कर ले गया। जब पुजारी अगले दिन आया तो उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर जो घंटा बंधा हुआ था उसे किसी ने चुरा लिया। अगले दिन पुजारी ने नया घंटा मंगवाया और उसे ऊंचा करके बंधा दिया। भक्तों, वही चोर शिवालय में चोरी करने के इरादे से फिर आया। उसने देखा कि आज तो शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल नया घंटा बंधा हुआ है। चोर ने सोचा, मुझे तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। किंतु पुजारी ने घंटे को ऊंचा करके बंधवा दिया था। चोर का हाथ घंटे तक ना पहुंच पाया। तब चोर ने सोचा, क्यों ना मैं शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर इस घंटे को उतार लूं। चोर ज्यों ही शिवलिंग के ऊपर खड़ा हुआ, भगवान भोलेनाथ उसको दर्शन दे दिए। कहने लगे, हे भक्त, बाकी श्रद्धालु तो मेरे ऊपर जल दूधियों बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुमने तो खुद को ही मुझे चढ़ा दिया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। भगवान भोलेनाथ को साक्षात देखकर चोर उनके चरणों में गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। जनों, भगवान भोलेनाथ की ना जाने और कितनी ही लीलाओं के वर्णन से वेद पुराण भरे पड़े हैं। भक्तों, ये ना जाने कितने ही नामों से जाने जाते हैं। ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान भोलेनाथ अनेकों भक्तों पर कृपा करते हैं। भक्तों, तो आइए भक्तों सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन। महाकाली, महाकाली।
भारत में अनेकों स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है भक्तों। सभी ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग कथाएं भी हैं। भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। सभी ज्योतिर्लिंग की कथाओं का वर्णन भी हम अपने सोनोटेक चैनल के माध्यम से कर चुके हैं भक्तों। आप जिस भी ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना चाहते हैं सोनोटेक भक्ति चैनल पर उपलब्ध है भक्तों। तो आइए सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। रविवार का आया
उसके हाथ, दया थी मन में समा गई, हो गई ये करमा। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। हिरण को उसने जाते ही वो लगा पछताने, ये मुझको क्या हो गया है, मन दया से भर गया है। थोड़ा हिला फिर बेल गिराए, बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाए, पानी पिया फिर जल था गिराया। सवेरा अब होने को आया, सोचा कल का दिन था भारी, घर जाने की कर तैयार, शिवलिंग पे चढ़ाया और गिरा पानी की बूंदे, बादल घर जी बिजली कड़की, शिवलिंग से फिर आई शिव जी, घंटे और घड़ियाल बजे हैं, शिव शंकर जी खड़े हैं। भील रहा था बगले झाके, हाथ पैर थे उसके कांपे, उसके कुछ भी समझ न आए, शंकर जी खड़े मुस्काए। सोमवार या दिन था प्यारा, शिव शंकर का दिवस नियारा, तूने मुझ पे बेल चढ़ाए, जल से मुझे नहलाए। तेरी निश्चल भक्ति से आज हो शिवाय, बोलो नमः शिवाय, मेरे लिए।
जिया ला
जग पालन